बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोडेड फ्राई बनाएंगे। उसके लिए मैंने चिकन लिया है। पहले मैं चिकन बनाऊंगी। चिकन 1 किलो मैंने लिया है। 4 मैंने अनियन लिए थे, उसको मैंने काट लिया। 2 मैं कान यूज करूंगी चॉप टमाटो के। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 मैंने ग्रीन चिली ली है। कसूरी मेथी मैंने 1 टी स्पून ली है। 1 टी स्पून नमक लिया है। 1/4 टी स्पून हल्दी ली है। 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। गर्म मसाला मैंने 1 टी स्पून लिया है। बाद में मैं हरा धनिया ऊपर से डालूंगी, साथ में जीरा पाउडर भी डालूंगी। चिप्स मैंने मैं फ्लेम को ऑन करूंगी। चिप्स मैंने ओवन वाले लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसको मैं ओवन में करूंगी। आप ओवन में भी रख के बेक कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है। ऑयल को गर्म होने दूंगी। अब इसमें मैं अनियन डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसको सॉफ्ट कर दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं इस तरह भून लूंगी। थोड़ा सा ये नरम हो जाए बस उसको तक 2 से 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। चिकन को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश करके इसको काट लिया था, छोटे छोटे गोटियां बना ली थी। 1 किलो चिकन है मेरा। अब इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी। 5 मिनट के लिए इस तरह चलाते हुए फुल आंच पे। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब जब व्हाइट हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके इसको मैं लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको फुल आंच पे पकाया है। इस तरह मैंने भून लिया है अच्छी तरह। इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी टमाटो के। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनूंगी फुल आंच पे। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूंगी। मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी। लो फ्लेम पे रखूंगी इसको। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया था। फिर बाद में मैंने इसको 10 मिनट के लिए फुल आंच पे इस तरह भूना है चलाते हुए चलता। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी इस तरह हाथ से मारती हूँ। डाल दूंगी इस तरह। ये जीरा पाउडर है, हरा धनिया 2 टेबल स्पून। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चिप्स मेरे रेडी हैं। अब मैं इसको सर्व करूंगी। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चिप्स को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं चिकन डाल दूंगी। सारे के ऊपर इसका
मिला दूंगी। सारे को कवर कर दूंगी। अब इसके ऊपर मैं चीज डाल दूंगी। आप इसके ऊपर चीज सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर चीज डाल ली है। मेरे चिप्स भी गर्म है, चिकन भी गर्म है, जो इसी तरह मेल्ट हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर ओवन में 10 मिनट के लिए रख ले। इस तरह से सारे प्याज में थोड़ी सी और मैं चीज डालूंगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनेज़ डाल दूंगी इस तरह से। आप इसके ऊपर सॉस भी डाल सकते हैं इस तरह से। लोडेड फ्राई मेरी रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।